हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी को स्वागत करती हूँ अपनी बगिया में। तो फ्रेंड्स, अभी ये सब जो सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं, ये सब तब कुछ दिनों का है, क्योंकि अब जैसे ही धूप तेज होगी तो ये सब पौधे अपने आप ही सूख जाएंगे। हम बचाना भी चाहेंगे फ्रेंड्स, तो नहीं बच पाता है। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो फूल का साइज भी काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स। तो अब हमें गर्मी की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए हिबिस्कस में जो दूसरा कली था फ्रेंड्स, तो आज वो खिल गया है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से ये कलर ढूंढ रही थी। जब मैं पौधे ली थी तब उसमें फूल नहीं खिला था, तो मुझे कलर का पता नहीं था। बहुत इंतज़ार करवाने के बाद इसमें फूल आया है फ्रेंड्स। तो ये दूसरा फूल है हमारे गार्डन में। और देखिए डहलिया का भी फूल खिलने लगा फ्रेंड्स। तो जैसे ही धूप आई है, तो देखिए धूप तेज़ है, तो इसके पत्ते सब कैसे नीचे लटक गए हैं फ्रेंड्स। तो अब हमें इस सब पौधे को तो जो है अब उतना करेंगे भी तो ज़्यादा दिन तक हमारे पास नहीं रह सकता, क्योंकि दिल्ली में बहुत जल्दी गर्मी भी आ जाती है। तो पिछली बार तो मार्च के टाइम में ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। और देखिए जैसे ही धूप तेज़ होगा तो गर्मी अपने आप ही बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो हमें अब गर्मी की तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हमारे गार्डन में गर्मी में भी बहुत अच्छे से फूल खिले। तो गर्मी का सबसे खूबसूरत फूल, आसानी से चलने वाला फूल पोरचूल का है फ्रेंड्स। बहुत कम केयर में बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी फूल उसमें आते हैं। तो सुबह के 9 बजते ही उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलने लगता है फ्रेंड्स। तो मैं इस बार सर्दी के में तो उतना फूल नहीं ले पाई, क्योंकि नवंबर के टाइम में घर का काम चल रहा था उस टाइम। अक्टूबर नवंबर में तो मैं उतना नहीं कर पाई, और नीचे में उतना जगह नहीं था, तो हम उस हिसाब से पौधे लगाते। तो हम अगले सीजन से देखेंगे फ्रेंड्स। तो अब हमें गर्मी की तैयारी करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं इस बार पहले ही तैयारी करने लगी हूँ। तो हमारे पास जितने मिट्टी थे और जितने बोतल सब में मैं पिछली बार लगाई थी पोरचूल का, सब मैं उस सब को सारे को निकाल के मैं एक जगह पौधे रख ली हूँ, और सारे मिट्टी को धूप में दे दी थी। तो देखिए 1 घंटे की धूप लग गई, क्योंकि बारिश से कुछ दिन पहले हो गई थी फ्रेंड्स। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में गीले थी। अब मैं इसे उठा के किसी बोरी में रख देती हूँ। अभी मैं खाद नहीं मिलाई हूँ, सिर्फ ऐसे धूप लगा के थोड़ा सा हल्दी मिला के रख दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरे पास खाद नहीं है। अब फिर हम उन बोतल सबको कलर कर लेंगे पहले, और ये सब जो है मैं निकाल के पहले उस सब में लगा दूंगी। फिर ये सब मिट्टी भी निकल जाएगा, तो इस सबको भी धूप लगा दूंगी, और ये सब पॉट जितने हैं सबको भी फिर से पेंट करके फिर इसी स्टैंड पे यहाँ पे हैंग कर दूंगी। और नीचे देखिए थर्मोकोल जो था तो इसी के नीचे रख दी हूँ, जिससे कि आगे जगह भी बच गया। और देखिए ये कोने में यहाँ पे ये सब है, केले का और कनेर का पौधा, इसमें गेंदे का लगा दी हूँ। देखिए इसमें कंपोस्ट बन रहा है, इसे निकालना है। अब इसमें बहुत सारे पालक थे तो और सब मैं निकाल ली। इसमें 3-4 है, इसके पत्ते अभी ले लेती हूँ, पौधे हैं तो इसे निकाल के किसी और में लगा दूंगी। और हम 1-2 दिन में इसमें इसको भी निकाल के देखेंगे, इसमें कंपोस्ट बन गया होगा। दिवाली के टाइम में ही इसमें भर के रखी थी फ्रेंड्स। तो देखिए आज के वीडियो में यही शेयर करना था कि आप सब भी गर्मी में खूबसूरत फूल लेने के लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि धूप बहुत अच्छे से निकलने लगी है। क्योंकि 1 बजे के 2 बजे के बीच में तो धूप में बैठा भी नहीं जाता, और धूप वैसे तो लेट निकलती है ना 10 बजे, पर जब निकलती है तो बहुत तेज में। तो चलिए आज के वीडियो में यही सब फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पर ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करना। और मेरे चैनल पर पहली बार है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब भी करना। बाय, फिर मिलेंगे।